तो यार चलो था हमारा व्लॉग, तो ये हमारी एमसीबी लगी है, तो हम लोग एमसीबी की लाइट बंद कर देते हैं। हम लोग अपने फ्लैट में चलते हैं। ये हमारा फ्लैट है 12 नंबर का। तो ये हमारा कुछ ऐसा फ्लैट है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बुक एक रखी सी है। ये हमारा फ्लैट है, ये हमारी, अभी हम कीप करते हैं की को बंद यहाँ से। ये हमने कर दिया इसको लॉक, ये हमारा गेट हो गया लॉक। तो ये हमारा जहाँ से एंट्री हम लोग करते हैं, ये हमारी एंट्री है, तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये हमारी बेल लगी हुई है यहाँ पे, देखते हैं आप लोग, तो बेल लगी हुई है हमारी, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये मैंने पायदान अभी जस्ट खरीदा था, जस्ट एक दो दिन ही हुए, ठीक है। और ये हूँ मैं, मस्त हैंडसम सा लड़का, स्वीट इनोसेंस बॉय, ठीक है। तो ये हमारा शीशा लगा हुआ बढ़िया सा बड़ा सा, ठीक है। और ये हमारे शूज़ रखे हुए हैं क्योंकि बहुत ख़राब हो चुके हैं, नए जो हम लोग को लेने। और ये हमारे कुछ फ्लैट की हालत है, ये आप देख सकते हैं आप लोग फ्लैट, यहाँ से मैं दिखाता हूँ चाहता हूँ आपको। ये हमारा बेड है, ये बुक रखी जो मैं कविता पढ़ लेता हूँ, किसी दूसरे की बुक है मगर मैं पढ़ लेता हूँ। ये मेरे ईयरबड्स रखे हुए हैं जिसमें मैं गाने सुनता रहता हूँ, सुनना क्या होता है, फ़ोन ही चलाता हूँ, अकेले रहता हूँ। तो ये हमारा फ्लैट है, ये हमको 1 RK जो हमारा फ्लैट होता है उसमें हम लोग को मिलती है। ये फुल्ली फर्निश मैंने फ्लैट रखा है, तो उसमें ये हम लोग को मिली है AC, ये हमारी फ्रिज, ये हमारी TV जिसको पता नहीं क्या यूज़ है क्योंकि चलती तो पावा है नहीं, मतलब ऑन हो जाती है मगर ऑन होती है TV, मगर इन द सेंस इसमें केबल लगाओ पहले, फिर उसके बाद सेटअप बॉक्स है वो चलता नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमको लेना पड़ेगा। और दूसरा हमारा क्या है, जैसे हम लोग केबल लगाते हैं फिर OTG से कनेक्ट करके फिर हम लोग फ़ोन चलाएं, कोई सेंस नहीं बनता, सिर्फ फ़ोन देखना। जब हमारा कुछ बना होगा वो देखेंगे, तो डाउनलोड करो फिर OTG केबल लगाओ फिर देखो, नॉर्मल है TV, अरे TV इतना कुछ है नहीं कार्ड में। और ये हमारा पीछे आप देख सकते हो, ये मस्त लाइट वाइट लगी हुई, ये हमारा फैन है, फैन, यू आर ऑल्सो माई फैन, दैट्स व्हाई यू वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू फॉर। अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए, जब करता नहीं तारीफ तो खुद करनी चाहिए तारीफ, आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, ठीक है। तो हम दिखाते हैं हम लोग किचन, जो मेन हमारा एरिया है। ये नॉर्मल से कपड़ा है पैर पोछने के लिए, ये पानी भरने के लिए गैलन है, ये हमारी सब्जियाँ रखी हैं, ये थोड़े से मसाले साले हमारे कप अप छोटे मोटे लेकर चाय पीने के लिए कोई आ जाता है, तो ये हमारी मसालेदानी, ये हमारे बर्तन है जो टिफिन में ऑफिस में जाता हूँ, एक टिफिन वो दीप मेरे पुराने फ्लैट में रह चुका है तो वो मैंने अभी लेके नहीं आया। ये हमारी गैस है मैंने जिसने नहीं खरीदी, ये हमारा वाइपर छोटा सा, ये प्लेट है, ये मैंने दोपहर में खिचड़ी बनाई नहीं तो फ्रिज में रखी हुई है, ये डस्टबिन जो भर चुका है पूरी तरीके से, ये फ्लैट है, ये हमारी कबर्ड है जिसमें कपड़े है ही नहीं क्योंकि सारे 90% कपड़े जो हैं वो दीपक है। ये फोटो फ्रेम रखा है, मैंने भगवान जी का फोटो फ्रेम लिया था, अभी तक लगाया नहीं मैं उसको, अभी लगाऊंगा उसको मैं। तो एक कबर्ड ये है और एक कबर्ड ये है, ठीक है, ये दोनों कबर्ड है। ये पीछे वॉल अच्छी सी, ये लाइटिंग है, ये हैंगर यहाँ टंगा हुआ है, ये AC है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कपड़े टांग देता हूँ, अभी नॉर्मली 2-3 कपड़े लेके आया हूँ वो तो टंगे हुए हैं। और ये थोड़ा बहुत सामान है जो मैं घर से लेके आया था, ये सामान सब रखा हुआ है, आले आले हैं, मसाले हैं, ठीक है। तो फुल फर्निश लेने का फ़ायदा हमारा ये रहता है कि यहाँ सामान हमको सब कुछ लाना नहीं होता है, मतलब फुल्ली फर्निश का फ़ायदा यही होता है कि आप घर आओ सब कुछ मिलेगा आपको, कोई फ्लैट लो मतलब कपड़े लेके आओ और रहो यहाँ पे, बेस्ट थिंग ये है। आपको मेहनत नहीं करनी ज़्यादा सामान की, बस रेंट होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो रेंट के बारे में आगे बात करते हैं, अभी कितना रेंट है क्या रेंट है। ये हमारी फ्रिज रखी हुई है, ठीक है, ये हमारा ID कार्ड जो सिम ऑफिस हमारा, ये ब्रेटर है तो उसमें मैं ऑर्डर बनाता हूँ, मेरी घड़ी है, मास्क रखा, ये थोड़ी मिठाई है, ये मैं खिचड़ी बनाई थी रखी हुई है, ये हमारा अचार और थोड़े से वो, ये पानी अंदर रख देता हूँ मैं पीने के लिए, नॉर्मली है ये, मैं जिससे कुकर लिया था अभी उसका डब्बा रखा हुआ। हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बालकनी तो है नहीं क्योंकि बहुत महंगा, तो सापट है, सापट जिसको हम बोलते हैं, या AC की हवा हवा। और अच्छी बात ये है कि मेरी जो फ्लैट है ना मेरा सबसे लास्ट वाला है, मतलब कि सब मतलब 5th फ्लोर पे, तो एक तो पहली बात तो एक तो लॉक टूटा हुआ है इसका, बहुत अजीब बात है, कपड़ा फंसा के रखा हुआ मैंने। तो यहाँ पे क्या है, तो जो इसके ऊपर एक ऑफ फ्लोर है, 6th फ्लोर है, मैं 5th फ्लोर पर भी रह रहा हूँ, तो 5th फ्लोर का एक फ़ायदा होता है कि फ़ायदा है नुकसान है, पहले नुकसान बात करते हैं, नुकसान क्या है, बहुत वजन पड़ता है, वैसे तो ऐसे ही चढ़ाई चढ़ रहे हैं, वैसे तो ही चढ़ाई चढ़ रहे हैं कि अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं अतकुआई तक, अभी लोग और पहुँचना है ऊपर, तो हालत ख़राब हो जाती है। और लिफ्ट है नहीं क्योंकि 6-7 फ्लोर तक है तो लिफ्ट है नहीं, इसके ऊपर 1 फ्लोर और है मगर यहाँ पे इसके ऊपर AC नहीं क्योंकि वो बालकनी वाले हैं और खुली छत है, तो उसमें कोई यहाँ सापड़ तो इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके जाल पड़ा हुआ है खाली सा, ऊपर शीट लगी हुई, तो मेरे कपड़े अच्छे से होते हैं, गंदे भी नहीं होते, तो ये मेरे लिए फ़ायदा है यहाँ पे, यहाँ से कोई सामान रख दो कोई भी चीज़ रख दो गंदी नहीं होती, क्योंकि इसके नीचे जितने लोग होंगे कोई ना कोई कूड़ा डालते रहेंगे, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं इसमें इसमें पीछे कूड़ा डाल देते हैं, तो ये बाकी। और हाँ ये वॉशरूम है, जस्ट नॉर्मल सा वॉशरूम,
लप्पू सा वॉशरूम है, ये बाल्टी सब नहीं ली थी मैंने, ये वाइपर है और ये हूँ मैं। ये फेस वॉश पर रखा हुआ है तो ये दिखाने लायक नहीं है, कोई लोग खाने भी खा रहे होंगे आप लोग तो दिखाने लायक नहीं है। बस नॉर्मल सा ऐसा हमारा फ्लैट है, ठीक ठाक है। मैं अकेले रहता हूँ ज़्यादातर, मेरा दोस्त जो है वो वीकेंड में ही घर चल जाता है और बहुत कम ही दिन रहता है यहाँ पे, 4 to 5 दिन रहता है, ज़्यादा दिन रहता नहीं। तो ये फ्लैट मेरा ही है एक तरीके से आप समझ सकते हैं। और बाल थोड़े लंबे हो गए हैं, बट ठीक है, मेरे को बाल पर लंबे पसंद है। दाढ़ी तो भैया माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से साइड जॉ कम करा रखा है, यहाँ थोड़ी बड़ी करा रखी है हम लोग। अच्छा मैं लेंस पे से नहीं देख रहा हूँ, सामने शीशा लगा हुआ तो लेंस से मैं देख ही नहीं सकता शीशे, अपनी शक्ल पहले देख रहा हूँ मैं। हाउ आई एम लुकिंग सो हैंडसम ब्रो, क्या हो सकता हूँ, बहुत हैंडसम लड़का हूँ मैं, देख सकते हैं आप। ओह गलत चीज़, नीचे कुछ पहन नहीं, सॉरी, पर्सनल पहुँच गया मैं थोड़ा ज़्यादा, चल कोई ना, बढ़िया लग रहा हूँ, हैंडसम बॉय। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुछ फ्लैट है, सिंगल आदमी के लिए बहुत सही फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल क्या, मेरा दोस्त आता है रात को 1:30 बजे, फिर सुबह उसकी शिफ्ट होती है, मैं जब निकलता हूँ, मैं सुबह 11 बजे निकलता हूँ तो 11 बजे शिफ्ट होती है, मतलब मैं मेरी 11 बजे शिफ्ट होती है, वो अपना 1:30 बजे ऑफिस आता है, 1:30 to 2 बजे तक ऑफिस आता है, फिर उसकी शिफ्ट चालू होती है, फिर रात को 12-1-2 बजे तक आता है, तो तब फिर मैं जब तक शाम को 9-11 बजे घर आ जाता हूँ तो आराम से चिल करता हूँ, जब वो आता है तो बात होती है हमारी, सो जाते हैं लोग। तो ऐसा कुछ फ्लैट है, आप लोग बताइए कैसा लगा आपको फ्लैट, ये अच्छा है कि नहीं, मेरे को सही लगा फ्लैट ये, मस्त सा ठीक ठाक सा। तो भाई लोग फिर नीचे पहुँच गए, डोंट बी पर्सनल, ठीक है, कमेंट कोई वॉश नहीं करेगा, हाफ हाफ पहन के घूमते लोग, पहनते अपन भाई घर में रह रहे हैं शांति से, तो टी शर्ट नहीं पहनता मैं, टी शर्ट पहन ली मैंने। तो मिलते हैं आपको ऐसे किसी छोटे से अच्छे ब्लॉग में, तिल देन ओके बाय, सिया। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हाँ, रेंट की बात, रेंट आप फुल्ली फर्निश लेते हो तो आपको 10 के ऊपर ही मिलेगा, नॉन फर्निश आप लोगे तो आपको 10 के अंदर मिल जाएगा, मगर यहाँ 10 के ऊपर ही मिलते हैं 91 फ्लैट। अगर आप बालकनी लेते हो तो 12, 16, 18, 20 बहुत महंगे महंगे फ्लैट हैं, जितना आपकी रेंट, जितना आपका बजट, जितना आपकी वो श्रद्धा अनुसार आप फ्लैट खरीद सकते हैं। हमारे पास इतना बैठ तो हमने इतने फ्लैट लिया क्योंकि हम लोग पास गरीब हैं, वी आर सो मच गरीब। तो होपफुली यही फ्लैट है, आप लोग भी ऐसे फ्लैट में आना पसंद करते हैं, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि आपको अकेले रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपको अकेले रहना है, बहुत सारी चीज़ें और भी अकेले करनी, खाना आपको साफ बनाना है, सब कुछ चीज़ें करना है, जैसे कि मैं खाना अकेले बनाता हूँ, ये छोटी सी गैस है हमारी, इसमें काम हो जाता है हमारा, बर्तन छोटे छोटे रखे हैं, ये देखिए रोमिनोज, हमने पिज्ज़ा मंगाया था अगर तो उसी में हम सब मसाले रख लेते हैं छोटे छोटे, ये सब जुगाड़ है समझे आप लोग, और अकेले आदमी जान नीड होती नहीं है, थोड़े बहुत काम हो जाता है उसका। तो मिलते हैं वो फिर ऐसे किसी ब्लॉग में, टिल देन ओके बाय बाय, सी या। और ब्लॉग पसंद है लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करिएगा, भर दीजिएगा कमेंटों से शेयर से करके। तो मिलते हैं आपको फिर किसी ब्लॉग में, टिल देन ओके बाय बाय एंड सी या। 3 बार बाय बाय सी या बोल चुका हूँ, ब्लॉग खत्म नहीं हो रहा, अब खत्म करता हूँ, सी ऑफ।